बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज मैं आपके लिए लाइट से चटपटे मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, लंच में बच्चों को भी दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी चाहें खाएं, लेकिन रेसिपी बड़ी आउट क्लास है। तो चले जी, बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने एक बर्तन में बिल्कुल 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, ये है मेरे पास चिकन, एक प्याली बोनलेस है, ठीक है। इसे शामिल करिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इसे उस वक्त तक आप भूनें जब तक ये अपना रंग नहीं बदल लेता। जी, इसने बिल्कुल हमारी फूफी चच्ची और ताई वाले काम करना शुरू कर दिए हैं। चिकन ने इसने रंग बदल लिया, जैसे रिश्तेदार काम हमारे में बदल लेते हैं। जैसे कि मैं हर रेसिपी पे कहती हूँ, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा बोर होने शुरू हो गए मेरे इस डायलॉग से। अच्छा, खैर छोड़ें इन बातों को। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही स्पाइसिस, लेकिन एक सेकेंड, ये वाली स्पून लूँगी क्योंकि मेरे बेटे के साथ मैच कर रही हैं, खावतीन मैचिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल एक दो चुटकी शामिल कर दीजिए नमक, एक दो चुटकी इसमें चले जाएगा जिंजर पाउडर, एक दो चुटकी गार्लिक पाउडर, ठीक है, क्योंकि चिकन कम है। अदरक लहसुन का आप पेस्ट भी ले सकते हैं, बिल्कुल 1-3 टीस्पून का लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर, बिल्कुल ये भी एक दो चुटकी, चिली फ्लेक्स एक दो चुटकी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये है टिक्का मसाला, ये भी एक दो चुटकी, और जो जो मतलब आपके पास स्पाइसेस हैं घर में, जो जो भी हैं इससे रिलेटेड शामिल कर सकते हैं। वाइट पेपर है, टोटली ऑप्शनल, ये भी बिल्कुल एक दो चुटकी, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए, फ्लेम मीडियम है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह जी, खुशबू आना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल एक टेबल स्पून चले जाएगा इसमें विनीगर, एक टेबल स्पून इसमें चले जाएगा ये है अपना इसमें सोया सॉस, और बिल्कुल एक टेबल स्पून ही इसमें चले जाएगा चिली सॉस। दोबारा से इसको कर लीजिए मिक्स। ये देखिए, मुझे ये सब कुछ करते कराते 2 मिनट हो चुके हैं। अगर इन 2 मिनट के दौरान आपका चिकन जो है वो नीचे लगे, तो आप बिल्कुल 1 या 2 टेबलस्पून इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब सीन ऐसा है, मेरी बहनों और मेरे अपने सगे भाइयों से भी बड़ के भाइयों, इसको कवर कर दीजिए, लो फ्लेम कर दीजिए, और बिल्कुल 5 मिनट में चिकन गल जाता है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से गल जाता है। तो चलिए जी, 5 मिनट का हम कर लेते हैं इंतज़ार। ऑल राइट पीपल, 5 मिनट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, सुभान अल्लाह जी, खुशबू का झोंका आया है। अच्छा, ये जो मैं आपसे कहती हूँ, अपनी हर रेसिपी पे खुशबू के झोंके आए हैं, आप कभी मेरे किचन में आके देखें, इस कदर खुशबू आती हैं, यकीन करें कि मज़ा आ जाता है खाने से पहले ही। ये देखिए, इट्स डन, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो पीपल, अब मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन, और ये देखिए ब्रेड का स्लाइस है, बस इसको गर्म कर लीजिए, ये प्रोफेशनल तरीके से, ये चीज़, ठीक है। ये 2 स्लाइसेस गर्म हो चुके हैं। तो अब मैंने एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लेट ले ली है, इसमें एक स्लाइस रखने जा रही हूँ ब्रेड का, थोड़ा सा इस पर मायोनीज अब स्प्रेड करिए, ठीक है जी। और ये चिकन इसके ऊपर रख दिया है मैंने। अच्छा जी, ये खीरा है जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, चलिए इसको भी इसमें डाल दीजिए। ये बॉयल्ड एग है, सारे विटामिन ABC D इसमें हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टमाटो केचप इस पर भी डाल दीजिए, चाहे तो स्लाइस के ऊपर भी लगा दीजिए। इसको इसके ऊपर रखें और अब छुरी की मदद से इसको दरमियान से कट करें, ये देखिए पेपर। और ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, टेस्ट में आउट क्लास है। चैलेंज करती हूँ इसको, सेम रेसिपी को फॉलो करके घर पर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो चुका है। मेरी इस रेसिपी को बेफिक्र होकर अपनी खाला फूफो चाची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।